नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे समोसा। समोसा कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम मैदा, मोयम के लिए घी, नमक, अजवाइन और पानी। तो पहले मैदा को छान के अच्छी तरह से ले लेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे और अजवाइन डालेंगे। इसके बाद 5 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे हाथों से। और इतना अच्छा से इसे मिलाएंगे और मुट्ठी जब बांधेंगे तो इस में अगर मुट्ठी बंध गया तो यानी अच्छा हो, यानी बहुत ही खस्ता बनेगा ये हमारा समोसा। फिर हमें थोड़े थोड़े पानी डाल करके इससे सख्त सा डो बना लेना है। रोटी और पूरी की तरह नहीं, थोड़ा सख्त डो होना चाहिए। फिर इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं। तब तक हम बनाएंगे समोसे का आलू। तो इसके लिए हमें ये सब सामग्री की ज़रूरत है। तो आलू हम मैश कर देंगे, हल्का सा क्रश करेंगे, ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। और गैस जला करके कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और कटा हुआ हरा मिर्च, कटा हुआ अदरक डालेंगे और इसे भूनेंगे। इसके बाद हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा और मटर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। फिर हम भुना हुआ बादाम डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और इसे हम भुनेंगे। और भुनने के बाद जो मैश किया हुआ है आलू वो डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। इसे बढ़िया से हमें मिक्स करना है, सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिलाएंगे हम। फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। फिर इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। आलू का जो भी नमी है इसे भून करके ड्राई करना है। अगर ये कम पकेगा तो फिर हमारा जो समोसा होगा थोड़ा सौगी हो जाएगा। इसलिए इसका जो नमी होता है उसे भून के अच्छी तरह से सूखा मसाला हमें तैयार कर देना है। और अंतिम में हमें 1 चम्मच गरम मसाला डालना है। ये हमारा मसाला बनके तैयार हो गया। अब हम मैदा का जो लोई बनाएंगे, हम इसे पूरी की तरह हम बनाएंगे। पूरी की तरह गोल नहीं बनाना है, हमें ओवल शेप में बनाना है। अच्छी तरह से पतला हम बेलेंगे इसको और बीच से हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हाफ राउंड को कटे हुए जगह पे हम पानी लगाएंगे और पानी लगा करके इसको एक दूसरे से चिपकाएंगे और ये कोन की तरह बन जाएगा। पानी लगाने से इसमें खुलने का बात नहीं होता है, बिना पानी लगाए ये खुल सकता है। अभी हमारा कोन तैयार हो गया। अब हम इसमें ठंडा मसाला हो जाने के बाद उसमें आलू का मसाला डालेंगे। अब इसे पीछे गोलाई वाले साइड में हम एक पतला सा प्लेट देंगे और एक प्लेट बनाते हुए यानी जिसको आगे की ओर खींच करके कटे हुए बल स्थान में मिला करके इसे हमें अच्छे तरह से इसका मुंह बंद कर देना है। बहुत समोसे टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, तो इसका वजह होता है इसमें पानी का नहीं लगाना। थोड़ा सा पानी के हाथ से चिपकाएंगे तो वो अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा। ये हमारा समोसा भर के तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी के भी समोसा को हमें
तैयार कर लेना है। अब हमें कढ़ाई में घी गर्म करके और इसमें सभी समोसों को डाल देना है। हमारा फ्लेम होगा वो मीडियम से हाई होगा। इसे उलट पलट करके अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके निकालना होगा। यह हमारा समोसा तैयार हो गया है। अब इसे आप सॉस के साथ खाइए, किसी भी चटनी के साथ खाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।